पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स और शाखा मुरादाबाद का ईद मिलन और गजल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिया जमीर, कृष्ण कुमार नाज, ओंकार सिंह, मोनिका मासूम ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। हेमा तिवारी की कविता बचपन की याद आ गई, ईद मनाने रिहाना के घर जाऊंगी सुनाई तो श्रोताओं ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इस दौरान मोहम्मद साहिद, इकबाल, वेदवीर रस्तोगी, मिवल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने अपने वक्तव्य रखते हुए कहा कि ईद का त्योहार भाईचारे का त्योहार है और इसे सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। जिस तरह सभी त्योहार मनाए जाते हैं उसी तरह ईद का त्योहार भी मनाया जाए। बचपन वाली ईद वही फिर वापस चाहे हम, रिहाना के घर से वहीं खाने जाए हम। बचपन वाली ईद वही फिर वापस चाहे हम, रेहाना के घर से वहीं खाने जाए हम। भूल जाए हम कौन जात हैं बस मुनिया रहे, भूल जाए हम कौन जात हैं बस मुनिया रहे। फरजाना काशी से ईद लेकर आए हम, बचपन वाली ईद वही फिर वापस चाहे हम, रेहाना के घर से वहीं खाने जाए हम। अब्दुल काका बड़े प्यार से बिटिया कहा करें, अब्दुल काका बड़े प्यार से बिटिया कहा करें। किसी और को गोद लिया तो मुंह फुलाए हम, बचपन वाली ईद वही फिर वापस चाहे हम। जिस आंगन खेला हूँ मैं, जिस आंगन खेला जिसे गांव की माटी लोटा, मैं जिस आंगन खेला जिस गांव की माटी लोटा, जिन खेतों खलियानों में मेरा ये जीवन डोला, जिन खेतों खलियानों में मेरा ये जीवन डोला। आज उसी खेतों ने पूछा उन खलियानों ने, आज उसी उन खेतों ने पूछा उन खलियानों ने। आंगन दूना पूछ रहा है, आंगन सूना पूछ रहा क्यों आग लगी है गांव में, आंगन सूना पूछ रहा क्यों आग लगी है गांव में। ये गांव की उत्तर प्रदेश राज्य सिविल पेंशनर परिषद ने पहले होली के अवसर पर होली मिलन एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम किया था, उसी कड़ी में हमने गंगा जमुनी तहसील के अंतर्गत आज ये ईद मिलन और गजल कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हमारे 6 शायर और कवि जो है आकर उन्होंने गजलों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया और सब लोग भाईचारे के अंतर्गत सबसे ईद मिले। कौन कौन लोग उपस्थित रहे और कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत सफल रहा और आज के इस अवसर पर हमने हमारे एक साथी या कोषागार के मोहम्मद साहिद इकबाल हैं, लेखाकार हैं, उन्होंने हमारे मार्च में 2 साथी श्री वेदवीर रस्तोगी और विमल कुमार बिसारिया का स्वर्गवास हो गया था, उनकी पारिवारिक पेंशन बनाने में उन्होंने असीम सहयोग प्रदान किया। हमारी संस्था ने आज उन शाहिद इकबाल को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। आज के कार्यक्रम में हमारे रामदत्त द्विवेदी जी जो हमारे संस्था के वर्तमान में संरक्षक हैं, पूर्व में सचिव थे, विशेष सहयोग रहा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।